Assalamualaikum Pakistan and good morning Pakistan. कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। यस, और बात करूंगी आज स्पेशल फॉर एवरीवन कि हम लोग जो है अपने पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स हमें बड़ा फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर। ऑफ कोर्स जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और डिफरेंट कंट्री में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ बिजनेसमैन, या कोई भी हमारे अंदर टैलेंट होता है, तो हमारे अंदर एक अलग से वार्म अप हो चुके होते हैं। हम लोग कहते हैं यार हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद करेंगे। लेकिन 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 एक चीज मुझे यहाँ से हर्ट करती है, वो क्या चीज है? ऑफ कोर्स हम जब वहां से कोई इंडिविजुअली या कोई भी पर्सन अपना नाम बना के आता है तो यहाँ के बहुत सारे लोग उसे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उसे बड़ा ओब्लाइज करते हैं, उसे बड़ा लाइक यूं कह सकते हैं कि उसे बड़ा मतलब उसको वेलकम होम वेलकम करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बहुत खलती है कि वो शायद मुझे मैं इसे बैड वर्ड में यहाँ पर बता नहीं सकती, बड़ा दिल दुखता है, मैं ये कह दूंगी तो ज्यादा बेहतर है, लाइक कि अब मुझे समझ में नहीं आती, बड़े बड़े ब्रांड हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, खाने पीने के ब्रांड्स हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अब देखेगा जब क्रिकेट होगा तो सारे ब्रांड्स इर्द गिर्द किसका बिल्ला लगा हुआ है, कभी उसका ब्रांड का लोगो किसी ने शर्ट पे लगाया हुआ है, लेकिन वो सारे वो लोग हैं जो बड़े बड़े हीरोज हैं, मैं सच कह रही हूँ, तो वो सारे ब्रांड उन्हीं के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते जिनको सपोर्ट की जरूरत है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लोग कहाँ जाएं, वो लोग क्या करें जो लोग यानी कि उनको जरूरत है। ऐसे तो हम मेड इन पाकिस्तान एंड प्राउड ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन जब उनको डिजर्विंग लोगों को जरूरत होती है आउट ऑफ कंट्री, जब वो जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो लैक ऑफ स्पॉन्सर के वो बड़े गेम्स में नहीं जा पाते, मुझे बड़ा दुख हुआ। और आज भी मेरे एक स्पोर्ट्स का एक ज़बरदस्त मैंने एक सेगमेंट किया है, उसमें रेसलिंग है एक गेम ख़वातीन का, और उसमें उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमें कोई ब्रांड नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि हम इतने सारे ब्रांड्स जो बड़ा बड़ा अमाउंट जो है वो अपनी मार्केटिंग पे लगा देते हैं, बड़े बड़े मतलब इस बड़े बड़े हीरोज पे लगा देते हैं, लेकिन फ्यूचर के जो हीरोज हैं उन पर रिस्क लेना पसंद नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ उनके लिए चिल्लर है, अगर वो थोड़ा सा अमाउंट उनको सपोर्ट लाइक दे दे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं? वो कोई पर्सनल काम से जा रहे हैं जो आपका पैसा जाया हो जाएगा? नो वे। ऑफ कोर्स वो आपका थैंकफुल होगा और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो यहाँ पर जो है मुझे इत्तफाक नहीं है ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपनी खुदगर्जी, मतलब मैं अगर ब्रांड्स के नेम लूँ तो शायद बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो जस्ट फॉर इज एक खास क्राइटेरिया उनका है, और वो खास जी बड़े बड़े जो है वो नामों के लोगों पर, मैं उनको उन हीरोज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आने वाले जो हीरोज हैं, आने वाले जो स्पोर्ट्समैन हैं, आप उनको भी तो अप्लाइज करें, आप उन पर भी तो इन्वेस्टमेंट करें, उनको सपोर्ट करें। बीइंग अ पाकिस्तानी ये हम चाहते हैं और ये ही हमारी अपील है कि प्लीज प्लीज वो टैलेंटेड एंड डिजर्विंग लोग जो अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाकर गेम्स खेलना चाहते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? आप क्यों आंखें बंद करके बैठ गए और सिर्फ आपको पता है कि यार ये बड़ा नाम है, इसको ही बस अब देना, ये बड़ा गेम है, इस पर बड़ा जो है हमें फायदा होगा,
लेकिन आप फ्यूचर के फायदे को भी तो सोच के कर सकते हैं. लाइक आज का यही मैसेज है मुझे, जितने मेरे इस वक्त नाज़रीन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जिस जितने जो लोग इस वक्त वीनस HDTV चैनल देख रहे हैं, ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में. कल भी मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई और उन्होंने कहा कि वीनस TV यहाँ पर हमने ऑन किया, ऑफ कोर्स चल रहा है. मैंने उनसे कहा कि आप देखें, आपको ज़रूर नज़र आएगा. तो उन्होंने जब सर्च किया तो उनको मिल गया. तो लाइट कुछ लोगों ने अभी भी जो है ट्यून नहीं किया, सर्च नहीं किया. तो क्वेटा में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, कराची में, डिफरेंट जगहों पर माशाल्लाह वीनस HDTV चैनल देखा जा रहा है. और इसको जो आप अभी मॉर्निंग शो देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, आप रात को इसको रिपीट में भी देख सकते हैं. आप मेरे पेज पे गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे जा सकते हैं. आपके अंदर पाकिस्तान में कहीं पर भी टैलेंट है तो प्लीज ज्वाइन विद अस. ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी का आप लोगों के लिए है और हम चाहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये लफ्जों में नहीं कि यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट सिर्फ हम चाहिए यू आर अ डिजर्विंग एंड टैलेंटेड. आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है. और जी नाज़रीन मैं साथ साथ ये भी बताती चलूं कि अगर 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 हाँ सोच रहे होंगे यार कांटेक्ट कैसे करें सभी के साथ, तो बहुत इजीएस्ट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप टैलेंटेड हैं, आप डिजर्विंग है, 03158248704. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ.